बताना चाहूंगी, जो जो मैंने वहां पर मतलब सीखा समझा, जो पूरे अर्थशास्त्र को निकाल करके उन्होंने मुझे दिखाया है, मतलब वर्बल बातें नहीं, एक होती है ना जैसे हमारे मुसलमान इस्लाम के ठेकेदार लंबी लंबी दाढ़ी है, टोपी पहना हुआ है, शेरवानी पहना हुआ है, लुंगी छाप वाला, अरे मरोगे तो 72 वर्जिन हूरे मिलेंगी, सेक्स का मजा लोगे, ये हवाबाजी है, ये सारी बातें हवाबाजी है। लेकिन जो प्रभु जी ने मुझे बताया है वो सारी बातें अर्थशास्त्र को दिखा करके उन्होंने मुझे बताया है। अब उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे बताइए कि जितने भी हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें हर मंत्र के बाद स्वाहा क्यों बोलते हैं। मैं भी ये हो गई कि हाँ एक्चुअली में क्यों स्वाहा बोलते हैं। तब उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में महिलाओं का की बेपनाह इज्जत है। मैंने कहा इस बात को तो मैं अग्री करूंगी, मैं तो इस बात को बिल्कुल अग्री करूंगी। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म में बेपना महिलाओं की इज्जत है। तो राजा दशरथ की बेटी का नाम स्वाहा हुआ करता था, राजा दशरथ की बेटी का नाम स्वाहा था, और स्वाहा ने अग्निदेव से शादी की थी, इसलिए हिंदू धर्म में मंत्र के उच्चारण के बाद स्वाहा बोला जाता है, तभी वो पूजा पूरी होती है। क्या बात है, ये तो मुझे भी आज पता चला है। अब आप सोचो कि एक पूजा आराधना भी तब पूरी हो रही है जब एक औरत का नाम लिया जा रहा है, क्या जब बात है, एक महिला को सम्मान दिया जा रहा है, तब वो पूजा आराधना पूरी हो रही है। मैं तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा लेकिन था। देखिए नाजे जी, आइडियोलॉजी देखे ना, कि वो इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं उसको ओपोजिट नहीं, वो पैरेलल लेके चल रहे हैं। अगर जितना एक सामान एक मर्द का है उतना एक विमेन का भी है, जितना एक दरख्त का है उतना एक हवा का भी है। तो ये जो धर्म है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है ना, लाइफ की प्रैक्टिस है, तो मैंने जितना, क्योंकि मैं भी वीडियो पे रिएक्ट करती हूँ, तो एक बैलेंस, और मुझे लगता है कि पूरे बैलेंस बनाए रखने का नाम ही जो है सनातन। अगर एक तरफ भी पलड़ा आपका गया तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम टेम्पल विजिट किया था 2-2.5 माह पहले, मैंने बहुत विजिट किया लाहौर में, गूगल पे टेम्पल आता था जब मैं जाती थी क्लोज, फिर टेम्पल आता था मैं जाती थी वहां पे सरकारी ऑफिस बन गया, फिर टेम्पल आता था जाती थी। खैर मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं पूरा दिन मुझे लगा एक टेम्पल मुझे मिल गया, लेकिन मैंने देखा जितनी भी वहां पे मूर्तियां थी, बिना नारी शक्ति के वो मंदिर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये बैलेंस है, ये इस नेचर का बैलेंस है, इस कायनात का बैलेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लाम की भी अगर हम बात करें, देखिए बहुत से मॉडर्न लोग हैं जो इसको बड़े खूबसूरत तरीके से आप इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी लाइफ में, मैं करती हूँ, लेकिन जो मुल्ला माफिया है जो कि आपको पता है फेक लोग हैं, उन्होंने इतना ज्यादा लोगों को मैं कहती हूँ कि कट्टर बना दिया है कि वो अब मेरी और आप जैसे बंदे की स्पेस अब नहीं रही है। घर बैठो, दुपट्टा लो, आवाज हलाल हराम, इस चक्कर के अंदर जो एक डिवोटी बंदा पर है शैला, वो भी मैं इस पर एक कंजस्टेड बात है। कहना चाहूंगी, हाँ मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए जो गलत है वो तो उसको तो गलत साबित करना पड़ेगा। सही आज अगर होगी, ऐसा हाँ वक्त आ चुका है कि गलत को गलत साबित करना पड़ेगा, तो ठीक है मैं उसके लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन मैं गलत को गलत साबित करूंगी। देखिए अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ कि पूरे कुरान में कई बार कसम का जिक्र है, कई बार कसमें खाई गई हैं, चाहे आप सूरह रहमान ही क्यों ना पढ़ लें, उसमें भी पेड़ पौधे की खूबसूरती जो बताई गई है, अनार के दाने की खूबसूरती बताई गई है, अनाज की खूबसूरती बताई गई है, पर उसमें भी कसमें खाई गई हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस बात ऐसी बातों की कौन सी इज्जत हो सकती है, या कौन सी कौन मतलब कौन सी इज्जत अफजाई की जा सकती है जिस बातों को यकीन दिलाने के लिए बहुत सारी कसमें खानी पड़े। क्या हर रोज उठते बैठते सोते जागते हमें कसम खा करके दूसरों को यकीन दिलाना चाहिए? क्या ये सही है? हम बचपन में जब गलती से भी अपनी माँ के सामने कह देते थे कि नहीं कसम खुदा की हमने ऐसा नहीं किया है, तो हमारी माएं क्या बोलती हैं, हर बातों पे कसम नहीं खाई जाती है, बुरी बात होती है। तो आखिर कुरान हमें कसमें कसमें खिलाने की और कसमें दिलाने की बात क्यों करता है? बात सोचने वाली है ना कि क्यों करता है। देखिए ये भारत नया भारत है, ये भारत बहुत खूबसूरत भारत है। मैं ऐलान या कहना चाहूंगी
कि इस भारत की पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती है, इस भारत की पहचान जामा मस्जिद से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस भारत की पहचान रामायण से हो रही है, इस भारत की पहचान भगवद गीता से हो रही है, इस भारत की पहचान संविधान से हो रही है, इस भारत की पहचान ऋग्वेद से हो रही है, भगवान राम से हो रही है। और जिसको इस भारत की इस नए पहचान से प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि उनको चले जाना चाहिए, क्योंकि पिछले जब तक कांग्रेस की सरकार रही है शैला, तब तक मंदिरें तोड़ी गई हैं, राम भक्तों के ऊपर शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजियां की गई हैं, बहु बेटियों को छेड़ा गया है, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात आज तक की जा रही है, जो धर्म 4,500 साल से भी पुराना है, उस धर्म को जिस तरह से यहाँ की सरकार ने पहले नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक जिस तरह से मलाइन किया था, जिस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, ये और बर्दाश्त नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहूंगी आपके ब्रॉडकास्ट में सबसे पहली बार कि वाकई में इस 9 साल में हमारे भारत ने तरक्की की है, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लोगों ने यहाँ तक कहा था, मुसलमान कम्युनिटी ने भारत में यहाँ तक कहा था कि अगर राम मंदिर बन गया तो सऊदी अरबिया हमें तेल देना बंद कर देगा। लो भैया, अब तो सऊदी अरबिया के शहजादे आकर के जय सिया राम बोल रहे हैं। जो मकबरा है वो तोड़ दिया गया है, अब आप सोचो उन पर फतवा कौन जारी करना चाहेगा, कौन क्यों नहीं कर रही है? ये चिटिंग बाज, ये सड़क छाप, ये मदरसा छाप, ये लुंगी छाप मौलाना, जो झूठ फरेब धोखेबाजी फितरा जकात भीख में हमेशा अपनी जिंदगी बर्बाद करते आए हैं, जिन्होंने अपने कौम की मुसलमान कौम की बेटियों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर करके रखी है, वो फतवा जारी करेंगे? ये सच है कि हमने काशी बनाई, ये सच है कि हमने राम मंदिर बना दी, दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत इस्कॉन टेम्पल भारत ने बना दिया, अब हम मथुरा बनाएंगे, देखते हैं हम, और देखेगा पूरा भारत कि कौन से ठरके आजम की औलाद में कितना दम है। देखिए शैला, हम गंगा नदी के बारे में बात करते हैं, हम यमुना नदी के बारे में बात करते हैं, हम कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं, हम फरजाना रेहाना अब्दुल्ला नदी के बारे में तो बात नहीं करते हैं। इतिहास हमें क्या बताया है? गंगा नदी बताया है। इतिहास हमें क्या बताया है? यमुना नदी बताया है। इतिहास हमें क्या बताया है? कावेरी नदी बताया है। हमें हिमालय हिमालय बताया है, हिमालय का चट्टान, हिमालय का पहाड़ बताया है। हमें अब्दुल्ला और रहमतुल्ला तो नहीं बताया गया। तो जिस इतिहास, जो इतिहास है, उस इतिहास को जो भी खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। नहीं, हिस्ट्री को नहीं मिटा सकते, ये बात सच है, कोई नहीं मिटा सकते, दबा सकते हो, वो मिट नहीं सकती, वो किसी और किताब में आ जाएगी, वो कोई और हिस्टोरियन लिख देगा। लेकिन खैर, आपने जो पूजा की इस्कॉन टेम्पल में 5 घंटे, फिर 56 भोग भी रखे, सनातन धर्म से आपकी अटैचमेंट काफी है और इस्लाम भी आप फॉलो करिए, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मुसलमान महिलाएं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस बार सपोर्ट करेंगी या नहीं? ये एक बहुत अहम सवाल है और भारत से मुझे बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो उनके लिए ये जवाब जो है ना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि 5 वक्त मुकम्मल नमाज, 30 रोजा और कभी भी कोई भी लैलतुल कद्र या शबे कद्र नाजिया इलाही खान से ना छूटी है, ना छूटी है। तो नाजिया इलाही खान भरे बाजार चीखती है कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मेरे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे आइडियल हैं, मेरे मुखिया हैं, इस देश के मुखिया हैं। पिछले दिनों 33% वुमेन रिजर्वेशन के वक्त में करोड़ों मुसलमान महिलाएं रोड पर आ गई थी, और कईयों ने तो, कितनों ने तो, कितनी मुसलमान महिलाओं ने तो हिजाब के साथ मोदी जी की तस्वीर को दूध से नहलाया था। कुछ दिन पहले मुसलमान महिलाएं मोदी जी के स्टैचू पर राखियां बांध रही थी सोने की। हाँ, वो मैंने देखा था। तो अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान महिलाओं को मान मर्यादा इज्जत देने वाले तो सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही जी हैं, जिन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करा करके मुसलमान महिलाओं को इतनी बड़ी कुप्रथा से उनको उनको इंसाफ दिलाया। ये जो खून के आंसू 1984 से शाबानो और सायरा बानो सर्वोच्च न्यायपालिका में अपनी अपनी गुहार लगा करके रो रही थी, और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर मनमोहन सिंह को एक बार भी दिल में पीड़ा या दर्द नहीं जागी कि आखिर ये महिलाएं और कहाँ जाएंगी, अपनी सरकार से नहीं गुहार लगाएंगी तो कहाँ जाएंगी, पर किसी ने भी ऐसी गुहार नहीं सुनी। और हर रोज
हर रोज करोड़ों की तादाद में मुसलमान महिलाओं के चेहरे पर थूक देता था मुसलमान मर्द 3 तलाक के नाम पर, और बच्चा समेत रोड पर निकाल दिया जाता था। तो इस कुप्रथा से अगर बाहर निकालने वाले हैं तो श्री नरेंद्र दामोदर दास। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।